कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी हमारे साथ हैं। आज सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। एक साल पूरा हो रहा है, सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कह रही है कि बहुत बढ़िया काम किया गया उत्तर प्रदेश में। देखिए, लगातार 6 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कंटिन्यूसली उनका ये दूसरा कार्यकाल का पहला साल है और इस साल का ये हाल है कि शहर की अधिकांश आबादी प्यासी तड़प रही है। गर्मी के दिन आ गए हैं। विशेष रूप से हमारी विधानसभा में सरकार ने वक्तव्य दिया था, एक 15 साल पुराना टैंक सुजातगंज चंदारी में 17 लाख लीटर का खड़ा था, जिसमें कोई कनेक्शन नहीं थे। हमने सरकार से नियम 51 में इसका वक्तव्य मांगा तो कहा गया 3 महीने में इसको शुरू कर देंगे। धरातल पर आज सिर्फ आश्वासन है और जनता त्राहिमाम है प्यास के लिए। बाबूपुरवा में और शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की जो कमी है, सरकार पता नहीं किस बात में अपनी पीठ थपथपा रही। हो सकता है सरकार को उसके विपक्षी नेताओं से, जो उसकी एजेंसियों के माध्यम से जो परेशानी दी जा रही, हो सकता है इससे खुश हो। जनता की सुख से नहीं खुश है वो। इरफान सोलंकी बधाई देके गए हैं अभी। देखिए, इरफान सोलंकी के ऊपर तो जो बीत रही वही जानते हैं और आज पूरा शहर जानता है, तो निश्चित रूप में ये व्यंग भी इसको समझ सकते हैं। बधाई देके गए, ये उनका जो भी तरीका है सरकार के ऊपर व्यंग करना। क्या कहेंगे, फेल हुई है, सब फेल हुई है या क्या हुआ है? मैं तो आपसे बता रहा हूँ, सड़क पानी बिजली के नाम पर मैं जिस शहर में रहता हूँ, जिस विधानसभा में रहता हूँ, अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम बन जाए कि आप जनता की समस्याओं को उजागर करें, तो आप मुझको बता दीजिएगा कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि सरकार ने इन 6 सालों में कितने लोगों को पानी दिया, कितने लोग की सीवर का काम किया और सड़क कहाँ कहाँ बनवाई। गड्ढा मुक्ति की बात की आपको, चलिए हम आपको दिखा दें। एक दिन आप थोड़ा सा बना लीजिए, थोड़ा सा उधर भी आप अपना रुख कर लिए सरकार को आईना दिखाने का, तो निश्चित रूप में हमें लगेगा कि आप भी एक लोकतंत्र के बड़े स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार का एक साल अगर वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर को, मूलभूत सुविधाओं को देने में पूरा होता तो निश्चित रूप में हम भी खुश होते, लेकिन सरकार अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में अपनी पीठ थपथपा रही है, तो निश्चित रूप में सरकार अपने आप में खुश है। सरकार अपने दुश्मनों को, या यूं कहा जाए कि ये इशारा है कि विपक्षी लोगों को ठिकाने लगाने में लगी हुई है, पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी का। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।